अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो में सब्ज़ी की स्टोरेज करूँगी, और जो फ्रिज है उसको कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ उसकी वीडियो दे रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, थैंक यू। और सबसे पहले मैं जो दही है उसको दूध में थोड़ा सा दही जमने के लिए रख रही हूँ। तो अभी मैंने ये शुरू किया है कि ये सारी चीज़ें मैंने टोकरियाँ वगैरह धो ली थी, कल मैं सारी सब्ज़ियाँ लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं कैसे स्टोर करके सब्ज़ियाँ रखती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं प्याज को निकाल के अरेंज कर लूँगी टोकरी में, और दूसरी में, और नीचे ज़रूर अगर आप चाहते हो कि नीचे से गंदा ना हो तो कोई अखबार का एक पीस रख दें, या कुछ भी आप टिश्यू पेपर रख लें, कोई भी पेपर टॉवल पेपर जो होते हैं वो रख लें। तो उसके ऊपर चीज़ें रखें तो फिर नीचे से जो ज़मीन होती है वो गंदी नहीं होती। और अभी मैं दूसरी जो सब्ज़ियां हैं वो सारी सब्ज़ियां उनको मैं पहले धो लूँगी, और उसको कैसे खुश्क करके फिर मैं अरेंज करके कैसे रखती हूँ वो मैं दिखाऊँगी। सबसे पहले तो काउंटर टॉप पे मैंने अखबारें बिछा ली क्योंकि नीचे से वो पानी नीचे ना लगे, इसीलिए ज़्यादा गंदा भी ना हो, तो उसके लिए मैंने पहले अखबारें उसमें नीचे डाल दी। और अभी मैं निकालूंगी सारी सब्ज़ियाँ, और उसके लिए मैं कंटेनर निकाल रही हूँ, एक बड़ा बाउल निकाल के उसमें सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो डाल दूंगी। थोड़ा सा हल्का सा ये पानी गर्म है तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। तो उससे ये होता है कि थोड़ी सफाई जो होती है वो अच्छे से हो जाती है सब्ज़ियों की। और एक ही हफ़्ते की मैं सब्ज़ियाँ, या दो हफ़्ते चल जाएंगी, एक हफ़्ता जब भी ख़त्म होंगी तभी दोबारा लेके आऊँ। लेकिन मैं लेके सब्ज़ियाँ बहुत थोड़ी आती हूँ, थोड़ी थोड़ी जितनी हमें ज़रूरत होती है, मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेके नहीं आती कि वो ख़राब ना हो। ये एक हफ़्ता चल जाती हैं, बीच में कभी दालें बन जाती हैं, कभी कुछ और चावल जो होते हैं वो बिरयानी बन जाती है, तो वो चीज़ें बनती रहती हैं। तो सब्ज़ियाँ बस इतनी काफ़ी होती हैं हफ्ते के लिए, साथ साथ सैलड भी लेके आती हूँ, वो तो मस्ट होता है। और एक दफ़ा अच्छे से पानी मैंने उस बहा दिया है, दोबारा फिर उसमें डाल दूंगी। और नीचे मैंने कपड़ा बिछा लिया, और ऊपर उसके सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैं रख दूंगी, और पानी सारा उसका अच्छे से निकल जाएगा। तो खुश करके फिर मैं फ्रिज में रखूंगी इनको। अभी मैं सब्ज़ियाँ इसके अंदर रख रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने इसके नीचे कुछ पेपर या टॉवल रखना है,
तो फिर मैंने सब्जियां निकाल ली। पहले मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा है, तो अभी मैं ये टॉवल जो है वो नीचे रख रही हूँ, पेपर टॉवल है ये। तो क्यों ये इसीलिए रखा है क्योंकि जो भी सब्जियों का एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो उसके अंदर सोख लेगा, कि वो बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होंगी, एक हफ्ता के लिए बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। इस तरह मैं करती हूँ तो बिल्कुल ही फ्रेश रहती हैं सब्जियाँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये माड़ू होता है, इसको माड़ू बोलते हैं। और करेले लेके आई हूँ, और साथ ये गोभी है और शिमला है। शिमला आलू में भी डाल के बना सकते हैं, और किसी भी सब्ज़ी में अगर सैंडविच बनाना हो तो उसमें भी हम छोटे छोटे काट के डाल लेते हैं। तो इधर मैंने ये जो टमाटर हैं उनको भी अच्छे से धो लिया है, धो के तो उसको भी टॉवल के ऊपर डाला है, और उसको मैं एक टोकरी में डाल के रख दूँगी। और लेमन तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि लेमन वाला पानी जो होता है वो मैंने पीना था। लेकिन आजकल लेमन काफ़ी ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, ये जो देसी लेमन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे। दूसरे तो मैं लेती नहीं हूँ, ये वाले लेती हूँ। तो ये मैं सब्ज़ी चाहे मैं बहुत कम लूँ, लेकिन मैं लेमन जो होते हैं ये ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खानों में। मुझे ये सब्ज़ियों से ज़्यादा अहम लगते हैं। कौन कौन है जो सब्ज़ियों के साथ ज़्यादा लाना पसंद, लेमन ज़्यादा लाना पसंद करता है, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं फ्रिज में सारी चीज़ें वन बाय वन करके रख दूँगी, अरेंज करके रखूँगी। जब अरेंज हो जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी मैंने कैसे अरेंज किए हैं। और ये वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अलग में रख रही हूँ ये पहले यूज़ हो जाएंगी, ये पहले की बची हुई चीज़ें पड़ी थी तो मैं एक अलग से कंटेनर में डाल के रख रही हूँ। क्योंकि मुझे याद रहे कि मैं इस कंटेनर से मैंने यूज़ करना है, तो ये मैं अलग से रख रही हूँ। अभी ये मेरी ऑर्गेनाइज हुई हुई फ्रिज है, पूरी चीज़ें मैंने कंप्लीट ऑर्गेनाइज कर दी हैं। ऐसे ही रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो उससे पहले पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका काम होता है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं टाइम ही नहीं मिलता कि ये सारी चीज़ें कर सकें। अब फ्रिज का सबसे बड़ा काम होता है जो मैं अभी कर चुकी हूँ, रमज़ान मुबारक 15 दिन कम से कम रहते हैं, उससे पहले मैं कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो आप भी कर लें, फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।